भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी टीम में जहां कई नए चेहरे शामिल किए हैं, तो वहीं कई पुराने दिग्गजों को बाहर कर दिया है। इस नए बदलाव में भी नहीं बदला तो वो एक चेहरा है उत्तराखंड के सबसे अनुभवी और सियासत के दिग्गज खिलाड़ी हरीश रावत का। उत्तराखंड में कांग्रेस को कई खेमों में बटी पार्टी माना जाता है, लेकिन टीम सोनिया ने हरदा को पंजाब जैसे बड़े राज्य का प्रभारी बनाकर बता दिया है कि खेमों में बटी उत्तराखंड कांग्रेस का सबसे बड़ा असरदार सरदार कोई है तो वो हरदा ही है। हरीश रावत ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी की कोर कमेटी में दोबारा एंट्री करते हुए अपने विपक्षियों को अपनी ताकत का एहसास भी करा दिया है। कुछ दिनों पहले ही हरीश रावत ने जय भारत टीवी के प्रबंध संपादक नितिन गुप्ता से एक्सक्लूसिव बातचीत में बताया था कि कांग्रेस एक अजर अमर पार्टी है और उसको कमतर आंकना आने वाले समय में विपक्षियों को भारी पड़ेगा। उत्तराखंड में हरीश रावत का एक एक बयान और उनका एक एक कदम सुर्खियों में रहता है। कभी संगठन से तनातनी तो कभी गुटबाजी को हवा देने का भी आरोप हरदा पर लगते रहे हैं, लेकिन इन सब चुनौतियों को बड़ी चतुराई से हरीश रावत उबर कर हाईकमान के चहेते बनकर उभरते रहे हैं। आज एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के कद में इजाफा हुआ है। कांग्रेस हाईकमान ने राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय महासचिव के साथ कांग्रेस कार्य समिति के रूप में उनकी भूमिका दोबारा बरकरार रखी। पंजाब जैसे बड़े और कांग्रेस शासित प्रदेश के प्रभारी का अहम जिम्मा सौंपा जाना हरदा को किसी सौगात से कम नहीं है। इस नए फेरबदल के बाद उत्तराखंड में हरीश रावत के लिए आने वाले उत्तराखंड चुनाव में भूमिका भी साफ होती जा रही है। कांग्रेस हाईकमान ने दिल्ली से जुड़े रहे देवेंद्र यादव को अब अनुग्रह नारायण सिंह की जगह राज्य प्रभारी का जिम्मा सौंपा है। उत्तराखंड की सियासत को समझने वाले मानते हैं कि नए प्रदेश प्रभारी की नियुक्ति भी हरीश रावत के बढ़ते कद का एक प्रभाव दिखा रहा है। नई जिम्मेदारी मिलने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना है कि कांग्रेस नेतृत्व ने जो भी आदेश दिया है उसका पालन किया जाएगा, पार्टी हित में काम जारी रहेगा, पार्टी ने उन पर जो विश्वास व्यक्त किया है उस पर वो आगे बढ़ेंगे। अब देखना होगा कि प्रदेश में अक्सर अपनों के ही बुने चक्रव्यूह में उलझने वाले हरदा अपनी इस नई पारी में किस तरह की बैटिंग करते हैं। जय भारत टीवी के लिए आशीष तिवारी की रिपोर्ट।